खुदा तुम दोनों पर अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल अता फरमाए। आमीन। मैं जानता हूँ हैदर, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन इस रिश्ते को निभाने में कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है तुम्हें, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और जहां तक बात रही आयशा की, तो यहां से मेरे घर में तुम्हारी अमानत है। हालात की मजबूरी और लाइबा के दुख का एहसास ना होता तो आज मैं आयशा को बाइज्जत तरीके से तुम्हारे साथ रुखसत करता बेटा। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मुझ पे भरोसा करके जो कदम उठाया है मेरे लिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी आपको उस पर शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है ऐसे ही होगा बेटा। हैदर भाई, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी सूरत में एक भाई से नवाजा है। वैसे थैंक्स का और कंग्रेचुलेशन का हकदार कोई और भी है। मैं भी बहुत खुश हूँ। एक सेकेंड। ये लो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, रख लो, फिर बाद में आयशा को ये ना कहना कि उसके शौहर का जूस है, और वैसे भी ये हक है तुम्हारा। ये लो। थैंक यू। चलें बेटा। जी अंकल। चलो आ जाओ बेटा। तैमूर का वो कभी भी आ जाएंगे। अरे आते हैं तो आ जाएं। जो कुछ हुआ है मैंने अकेले ने तो नहीं किया ना, तो मैं अकेला क्यों डरूं? पागल हो गए, तुम्हारी अक्ल घास खाने चली गई है क्या? मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा था, आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। देखिए बाजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगी बाबा? बाजी मैं एक बात बता दूं आपको, अगर मैं फंसा तो सबको फंसा दूंगा। तुम्हें मुझे फंसा कर क्या मिलेगा? तुम तो जानते हो ना तैमूर को, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। तुम प्लीज खुदा के वास्ते आपा के घर चले जाओ। वाह, एक बूढ़े से डरकर जवान सर फिरे के घर पे चला जाऊं? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, जो कुछ हुआ था यहीं पे हुआ था, फैसला भी यहीं होगा। बाबर ये वक्त ढिटाई का नहीं है, तुम्हें मामले की संजीदगी का क्यों नहीं समझ आ रहा? आ गए वो लोग, तुम प्लीज खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। जा रहा हूँ। वहां से नहीं, वहां से। ठीक है बाजी मैं जा रहा हूँ, अगर एक बात याद रखिएगा, हेमल से मेरा निकाह आपकी जिम्मेदारी है।